दोस्तों मैंने काफी वक्त पहले दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट टिकट बुक करवाई थी और मुझे फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपको फ्लाइट डिपार्चर से 3 घंटे पहले पहुंचना है। तो ये सोचने वाली बात है कि मेरी फ्लाइट 12 बजे की है, तो मैं 8:30-9 बजे वहां पर जाकर क्या करूंगा। यही तो गेम है, एयरपोर्ट वाले आपको लूट रहे हैं और ये बात आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग प्लेन में ट्रैवल करते हैं और कुछ लोगों ने तो किया भी नहीं होगा, और फ्यूचर में आप लोग भी करोगे, डेफिनेटली करोगे, नॉर्मल सी बात है। आजकल वो जमाना नहीं रह गया कि बड़े लोग ही प्लेन में जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है यार। तो तुम भी ध्यान से सुनना। तो दोस्तों जब भी हम फ्लाइट टिकट्स बुक करवाते हैं तो हमें 2-3 घंटे पहले आने के लिए कह दिया जाता है, और हम भी डरे सहमे होते हैं। और जिनकी पहली फ्लाइट होती है, जिन्होंने पहले कभी भी प्लेन में सफर नहीं किया होता, वो जब ये नोटिफिकेशन देखते हैं वो तो 5 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, वो इस डर से कहीं उनकी फ्लाइट मिस ना हो जाए। लेकिन सिक्योरिटी चेक सिर्फ 1/2 घंटे में ही खत्म हो जाता है, फिर बाकी बचा समय मतलब 2.5 घंटे मेरे जैसा बंदा वहां पर क्या करेगा। यही तो एयरपोर्ट का बिजनेस है। इस समय उस टाइम पीरियड में एयरपोर्ट वाले आपसे पैसे लूटने का काम करते हैं, जो चीजें आपको चाहिए भी नहीं वो भी आपको चिपका डालते हैं, फिर घर जाकर आपको पछतावा होता है कि मैं इतने पैसे आखिर क्यों खर्चाया। तो सुनो, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको जबरदस्ती मजबूर किया गया है वहां पड़ी चीजों को खरीदने के लिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। क्योंकि एयरपोर्ट वाले ये सब चीजें आपको बेचने के लिए रास्ता ही बहुत खतरनाक सा बनाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, पूरी प्लानिंग के साथ। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है कि साला आप कुछ ना कुछ तो खरीद के निकलोगे वहां से, हम खाली हाथ तो बेटा जाने नहीं देंगे, सब पैसे का खेल है बाबू भैया। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो पैसा खर्चा है वो सिर्फ एयरपोर्ट वालों की ट्रिक की वजह से खर्चे हैं। एयरपोर्ट वाले आपसे 3 तरह से पैसे बाहर निकलवाते हैं, आपका टाइम लेकर, जैसे कि फ्लाइट से 3 घंटे पहले लेकर आते हैं हमको, दूसरा आपका पैसेज यानी रस्ते के ऊपर स्ट्रेटेजिकली काउंटर्स बनाकर, तीसरा फूड कोर्ट के थ्रू। लेकिन इसकी डिटेल में जाने से पहले एक जरूरी बात कर लेते हैं। ट्रैवल की बात तो चली रही है और ट्रैवल में अक्सर लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, खासकर अपनी बीवी या अपने बॉस को। जाना तो दुबई घूमने के लिए और आप घर वालों को ये कहकर निकले हो मेरी बिजनेस मीटिंग है अमेरिका में, तब आप झूठ तो बोल लेते हो, पर जिनकी बीवी डिटेक्टिव स्वभाव की होती है वो लाइव लोकेशन भेजने को बोल देती है, तब आप फंस जाते हो। तो यहाँ आपकी मदद कर सकता है हमारा आज का स्पॉन्सर डॉक्टर फोन वर्चुअल लोकेशन, जिसके यूज से आप अपनी फोन के लोकेशन को फेक कर सकते हो। मतलब चाहे आप बैठे पड़ोस के घर पे हो, पर आपके फोन की लोकेशन आप अमेरिका की शो करवा सकते हो। यही नहीं, कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपका डेटा खाती रहती हैं और आपकी लोकेशन भी। लेकिन आप इस ऐप की वर्चुअल लोकेशन की मदद से उन्हें भी बेवकूफ बना सकते हो और आपकी प्राइवेसी भी बनी रहती है। इसके अलावा आप रीजनल रिस्ट्रिक्टेड या जियो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हो। सो वर्चुअल लोकेशन से आप एक क्लिक में दुनिया में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हो वर्चुअली। अपने GPS मूवमेंट को रूट या स्टिमुलेट कर सकते हो। लोकेशन बेस्ड गेम जैसे कि पोकेमॉन गो या सोशल ऐप्स जैसे कि स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल तक को फूल बना सकते हो। ये दोनों एंड्रॉइड और iOS पर कंपेटेबल है। मैं करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हूं, लेकिन अगर मुझे को किसी को यकीन दिलवाना है कि मैं श्री गंगानगर में हूं, सॉरी मुंबई लेके चलता, सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप पर डॉक्टर फोन वर्चुअल लोकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करके अपने आईफोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर लूंगा, और फिर परमिशन देने के बाद बस अपने मैप में मुंबई को सिलेक्ट करके मूव हेयर पर क्लिक करना है और बूम, आई एम इन मुंबई नाउ। है ना इजी। अगर आपको भी चाहिए कुछ ऐसा ही सलूशन, देन आई डेफिनेटली रेकमेंड डॉक्टर फोन वर्चुअल लोकेशन। डाउनलोड इट नाउ फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मैं बात कर रहा था एयरपोर्ट्स पर टाइम की। दोस्तों टाइम की बात करें तो एयरपोर्ट्स पर किसी के पास भी टाइम की कोई कमी नहीं होती है। साला 3 घंटे तो पहले बुला के रख लेते हैं, तो फिर टाइम ही टाइम है। और कई एयरपोर्ट्स तो ऐसे हैं कि बोर्डिंग गेट का नंबर भी सिर्फ 1/2 घंटा पहले बताते हैं कि लोग पहले ही उस गेट के पास जाकर ना बैठ जाएं। एयरपोर्ट चाहता है कि आप पागलों की तरह इधर उधर घूमो। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट सुनते जाओ। सोचो अगर आप लेट हो चुके हो और आपकी फ्लाइट मिस हो चुकी है, भैया वो तो उड़ गई, तो एयरपोर्ट वाले आपसे बदला लेंगे। अगर आप पूरे पूरे टाइम पर भी पहुंचे हो ना, सिर्फ 5 मिनट भी लेट हो गए हो, फिर भी आपसे बदला ले लेंगे। फिर आपको बहाना मार दिया जाता है कि गेट बंद हो चुका है और आपके सामने से फ्लाइट उड़ जाएगी। वो देखो आपको मजा आ रहा है देखने में, अच्छा प्लेन है। ये होता है बदला। और बदलापुर नंबर 2 आपको अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। अब आप पूछोगे कैसे? वो बेटा ऐसे, वो आपकी फ्लाइट 8-9 घंटे बाद की ऑफर करेंगे कि भैया तब उड़ जाना, तब हमारा प्लेन आएगा, उसमें चले जाना। लेकिन आप सोच में पड़ जाते हो, इतने घंटे में यहाँ पर करूंगा क्या, समझ रहे हो? वही करना है जो एयरपोर्ट वाले आपसे चाहते हैं, खर्चा। आपको पता है कि टाइम इज मनी, लेकिन इस बार सिर्फ एयरपोर्ट वालों की मनी बनेगी। अब मैं चाहता हूँ आप भी पानी पी लीजिए, क्योंकि आगे आपका गला सूखने वाला है। ले भाई तू भी पी ले। टाइम की तो हमने बात कर ली कि कैसे ये आपको 3 घंटे पहले बिठा लेते हैं और आपसे आपका टाइम छीनते हैं। अब बात करते हैं आपके एयरपोर्ट की एंट्री से लेकर टेक ऑफ के रस्ते की। देखिए एयरपोर्ट में घुसने के बाद आपको सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ता है, उसके बाद आपको ड्यूटी फ्री सेक्शन में से निकाला जाता है। अब ड्यूटी फ्री का नाम सुन के कुछ फ्री फ्री मत समझ लेना कि ड्यूटी फ्री हो जाएगी। वहां पर आपको प्रोडक्ट्स बगैर टैक्स के बेचे जाते हैं, पर चाहे ही टैक्स ना लगता हो वो प्रोडक्ट्स आपको महंगे रेट पर ही मिलेंगे, सिगरेट और दारू को छोड़कर, बाकी सब कुछ महंगा ही लगेगा।
ड्यूटी फ्री सेक्शन में रास्ता भी साला टेढ़ा होता है, ऐसा नहीं कि सीधा होता है, टेढ़ा होता है, ताकि ज्यादा प्रॉफिट वाला सामान राइट साइड में रखा जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंड वाले होते हैं और उनकी नजर भी इधर ही रहती है राइट साइड में, जिससे राइट साइड में ज्यादा एक्सपोजर भी मिलता है। और गाइस वर्ल्ड वाइड ड्यूटी फ्री करीब $55 बिलियन जनरेट करती है सिर्फ तेरी बदौलत। तू देख रहा है ना, या जब भी जाएगा तू। अब आप ड्यूटी फ्री सेक्शन से बाहर निकल चुके हो, इसको पार करने के बाद अब आप मेन शॉपिंग एरिया में आ चुके हो, जहां पर आपको मजबूरी में अपना पिछवाड़ा टिकाकर बैठना पड़ता है। लेकिन एयरपोर्ट ने वहां पर आपके लिए शॉपिंग मॉल बना रखा है, तो आपको पिछवाड़ा उठाना पड़ता है। एवरेजली बात करें तो लड़कियों के लिए तो टाइम पास करना आय हाय हाय बहुत ही मजेदार है, क्योंकि लड़कियां बिना बोर हुए 8 घंटे तक भी शॉपिंग कर सकती हैं, उन्हें टाइम का पता भी नहीं चलता। लेकिन लड़के मैक्सिमम आधे घंटे में ही बोर होना शुरू हो जाते हैं, और इसके ऊपर बहुत तगड़ी स्टडी भी की जा चुकी है, लड़कियां कभी बोर नहीं होती। तो फिर अब लड़का क्या करे, लड़का फिर लड़कियों के पीछे पीछे जाता है, उसका भी अच्छे से टाइम पास हो जाता है। मतलब एयरपोर्ट वालों ने सारे इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन भूख सबको लगती है, तो आपके लिए वहां पर फास्ट फूड चेन से लेकर कैफे सब कुछ मौजूद है। और वहाँ पर स्क्रीन्स पर, जो कि हर जगह लगी हुई है, वहाँ पर बोर्डिंग गेट का टाइम भी लिखा होता है कि आपको, मतलब जिस लोकेशन पर आप शॉपिंग कर रहे हो वहाँ से कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो आप भी सोचते हो हाँ, यहाँ से तो बोर्डिंग गेट तक मैं आसानी से पहुँच जाऊंगा, टाइम भी काफी पड़ा है। और फिर आप स्ट्रेस फ्री होकर शॉपिंग करने फिर से लग जाते हो, खाना खाना हो या कुछ भी करना हो। और एयरपोर्ट वाले तो ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि आप पैसा खर्च करो, आप अपनी जेब फाड़ो। लेकिन याद रहे, ये सारी चीजें आपको प्रीमियम पर मिलती हैं, जिससे आपकी वो भी फट सकती है। गया जेब की बात तो गई, यही नहीं गाइस, यहाँ आपको स्पा और मसाज सब कुछ मिलता है, ताकि आप रिलैक्स हो जाओ और फिर से शॉपिंग करो और एयरपोर्ट की कमाई बढ़ाओ। उसके बाद जब आपका गेट नंबर अनाउंस हो जाता है, तो उस बोर्डिंग गेट तक पहुँचने के लिए जिस रस्ते पर आप चलोगे, वहाँ पर जितनी भी शॉप्स होंगी उनके प्राइस दुगने से तिगने होते जाएंगे जैसे जैसे आप गेट के पास पहुँचते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जो पानी की बोतल आपको बाजार में 20 रुपए की मिलती है, वहाँ पर आप 40 से 50-60 रुपए भी हो सकती है, क्योंकि तब आप जल्दी में होंगे और उन्हीं का फायदा ये शॉप्स वाले उठाएंगे, यानी एयरपोर्ट वाले उठाएंगे। लेकिन जाने से पहले इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को मनी एक्सचेंज भी तो करवानी है। भैया काउंटर कहाँ है? अच्छा वो रहा। भैया जल्दी करना यार, मेरे को मेरी फ्लाइट बस जाने वाली है। और जैसे कि आपको पता ही है, ज्यादातर मनी एक्सचेंज वाले आपको इसी रस्ते पर मिलेंगे, जो कि आपको मार्केट रेट से एक्स्ट्रा 15-20% चार्ज करेंगे, क्योंकि वो आपकी जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। तो आप उनसे आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते हो, आपको बस हरे हरे फ्लाइट आ गई, मेरे को जाना है बस, आप जल्दी जल्दी पैसा पकड़ते और चल भाई। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, जब भी मनी एक्सचेंज करवानी है तो एयरपोर्ट के बाहर से करवाओ। और फाइनली अब आती है लास्ट स्टेज, जहाँ से आपका बचा कुचा पैसा भी लूटा जा सके। अब आप बोर्डिंग गेट के पास बोर्डिंग का इंतजार कर रहे होते हो, तो उसके नजदीक भी आपको आइसक्रीम, कॉफी वाला, नेक पिलो वाला, चार्जिंग केबल वाला, ये सारे भिखारी देखने को मिलेंगे, जो आपको डबल ट्रिपल रेट चार्ज करेंगे। इसलिए कहते हैं भैया, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो सारी एसेंशियल आइटम्स जैसे कि नेक पिलो, चार्जिंग केबल और बाकी इंपॉर्टेंट सामान एयरपोर्ट के बाहर से ही अंदर लेकर जाओ, बोल दो घर से ही लेकर जाओ, और एक आधा सैंडविच भी घर से ही पैक कर लेकर जाओ, मैं तो यही कहना चाहूंगा, ताकि आपको खाने पे पैसे वेस्ट ना करने पड़े। हाँ, चाय कॉफी का हो सकता है कि हाँ भी खर्चा करना पड़ जाए, चलो वो तो ले भी लेना, एयरपोर्ट की भी कमाई होनी चाहिए, नहीं तो वो भी बंद ना पड़ जाए, जरूरी है भाई हमें भी। और बाकी जितना हो सके आप अपने ऊपर कंट्रोल रखो, ऐसे बैठ जाना और बार बार खुद को बोलते रहना साला पैसा नहीं खर्च करना, कुछ भी हो जाए। अरे भाई तू स्टारबक्स वाला है ना, भाई एक कॉफी तो दे जा। और लास्ट एंड फाइनल टिप, अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है और उस काम में सिर्फ आपकी ही ज्यादा जरूरत है, तो अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड को साथ ले जाने का रिस्क आप ना उठाएं, क्योंकि इस तरह के एटॉमिक बॉम्ब जब आप साथ लेकर जाते हो तो वो एयरपोर्ट्स के मॉल्स में जरूर फटते हैं।